गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले की दो वीडियोस में मैंने आपको बताया, अगर आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है, SIP में पहली बार इन्वेस्ट करना है, तो दो सिंपल तरीके हैं, स्मॉल ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आज मैं आपको तीसरा टाइप बताऊंगा म्यूचुअल फंड का, वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप यानी कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अपने सेक्टर्स के वो लीडर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ ROI, यानी कि रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स है जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज रहती है और जिससे मार्केट का 50% ड्राइविंग फोर्स आपको मिलता है, यानी कि जो मार्केट का 50% ड्राइविंग फोर्स है वो आता है लार्ज कैप की तरफ से। लार्ज कैप को हम कह सकते हैं मार्केट का वो बैकबोन है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो स्टॉक मार्केट के बैकबोन है, जो अपने सेक्टर्स के लीडर्स हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहता है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है और SIP इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाए और आपका लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत गुड कंसिस्टेंट रिटर्न दे आपको लॉन्ग टर्म में। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट और SIP का इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल तरीके से हो जाए। थैंक यू।